डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर दिन की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हो लेकर दैनिक राशिफल बताएंगे। इस वीडियो में कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, क्या कुछ हो सकता है आपके साथ खास। शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। 16 नवंबर 2019 दिन शनिवार का ये राशिफल है। मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो शाम को 7:17 तक रहेगी। शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज 11:44 से 12:27 तक शुभ मुहूर्त है। वहीं राहुकाल की बात करें यानी अशुभ समय की तो 9:24 से 10:45 तक राहुकाल चलेगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है तो यदि आप इस दिशा में यात्रा करने जा रहे हैं तो इससे बचना है और इन दोनों समय का यानी राहुकाल का अभिजीत मुहूर्त का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज संकष्टी चतुर्थी है, यह एक हिंदू धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी जो है संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन लोग जो है सूर्योदय से लेकर चंद्रमा उदय होने तक उपवास रखते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा करने से इंसान को मन चाही चीजें भी मिल जाती हैं। तो आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर इसके बारे में आप पूजा विधि के बारे में और भी ढेर सारी जानकारियां चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जरूर विजिट करें। यह तो हमने जाना कि आज कौन सा त्यौहार है, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते वक्त आपको हिम्मत और मजबूती दिखाने की आज खास जरूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड के माध्यम से आप जो है आसानी से जो भी आज बाधाएं आ रही हैं उनको आप पार पा सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ा सचेत रहें, सुबह के वक्त किसी पार्क में जाएं या थोड़ा योग आदि करें। आर्थिक जीवन की बात करें तो उसमें जो है आज ऐसे लोगों से ना कहने के लिए तैयार रहें जो आपसे पैसे मांगने आए। आज आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं परिवार में, घर की शांति भंग हो सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो आज का दिन काफी कमजोर रहने वाला है। आपके निजी संबंध काफी संवेदनशील और नाजुक रहेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके अपनों को कष्ट हो, विशेष रूप से आपके प्रिय को, नहीं तो आपकी एक जरा सी चूक जो है आज आपको परेशानी में डाल सकती है। बात करें अगर आपके कार्य क्षेत्र की तो आज आपका जो मन है वो अपने ऑफिस में थोड़ा कम लगेगा, ऐसा लगेगा आपको घर भागने की जल्दी रहेगी, इसीलिए आप अपने काम को जो है बहुत ही ऊपरी मन से आज करेंगे। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन इन उतार चढ़ाव के कारण आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। अगर आपका जीवन साथी परेशान है तो उनकी परेशानियों को समझने की आज कोशिश करें। फैमिली में आज किसी रिलेटिव का भी आगमन हो सकता है। वहीं छात्रों का आज पढ़ाई में खूब मन लगेगा, आज आपको किसी नए स्रोत से जानकारियां भी हासिल हो सकती हैं। गृहिणियों के लिए भी दिन शुभ है। उपाय सुन लीजिए, केसर का तिलक मस्तक पर और नाभि पर आपको आज लगाना है। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि की। सबसे पहले अगर वृषभ वालों के हेल्थ पर नजर डालें तो आज शारीरिक लाभ अगर आप पाना चाहते हैं तो अपने मेंटल हेल्थ को भी आप अच्छा करें, योग करें, ध्यान करें, इससे आपकी बॉडी में एक अच्छा सा जो है चेंज आपको देखने को मिलेगा। पैसों की बात करें तो आज लेन देन के मामले में जरा सतर्क रहना है। वहीं पारिवारिक गतिविधियों में जो है आज आपको बता सकते हैं कि आज आपकी फैमिली के साथ कहीं आप शिरकत करने जा सकते हैं, जैसे किसी पार्टी में, शादी में। प्रेम संबंधों में आज अपने आप को प्रेमी से नोकझोंक से बचना है, नहीं तो रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। आपको जब भी आपके अगर संगी आपका गुस्सा होता है तो आप उनको वैसे ही छोड़ दीजिए, जब उनको अपनी गलती का एहसास होगा तो वो खुद ब खुद आपसे माफी मांग लेंगे। दोस्तों से मिलकर आज आपका मन खिल उठेगा। वही दाम्पत्य जीवन में आज आप जो है आपके रोमांस की अधिकता देखने को मिलेगी। छोटी मोटी कहा सुनी के बाद रूठने मनाने का जो दौर है वो बनेगा और आप दोनों और करीब आएंगे। शांति का भाव आज आपके मन में पूरे दिन बना रहेगा। आप अपनी बातों को सही तरीके से कहेंगे, साथ ही दूसरों की बातों को भी अहमियत देंगे। छात्रों के लिए दिन सामान्य रहने की उम्मीद है। आज आपको अपने गुरुजनों से पढ़ाई में आ रही मुश्किलों को लेकर बात करनी चाहिए। वहीं हाउसवाइफ्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आप जो है अपने जीवन साथी के साथ मिलकर बाकी सारी जो घर की पेंडिंग पड़े काम है उनको आप कंप्लीट कर सकती हैं। उपाय सुन लीजिए, उपाय के तौर पर आपको सलाह देना चाहेंगे कि सूर्योदय के समय धूप स्नान करें, यानी 15 से 20 मिनट धूप में बैठें। शुभ अंक है 7,
शुभ रंग है क्रीम और सफेद, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। लापरवाह रवैया आपकी सेहत को खराब कर सकता है, इसीलिए अपने को फिट रखने के लिए अच्छा आहार लें और एक्सरसाइज करें, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इशारा करें कि आपकी जरा सी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। आज आपके हाथों से पैसा बहुत सारा खर्च हो सकता है। भौतिक जीवन में निरस्ता का भाव भी आपको महसूस होगा। परिवार के लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चलें और किसी के ऊपर भी अपनी बातों को थोपने की कोशिश ना करें। सभी के नजरिए को समझना है आपको। आज अपने परिवार में विशेष रूप से अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर नजर रखें। प्रेम संबंधों में सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाना है। आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर तनातनी चल सकती है, बढ़ सकती है। कोई छोटी सी भी बात है तो काफी बढ़ सकती है। प्रेम की मजबूत डोर आज आपकी एक नासमझी की वजह से जो है वो टूट भी सकती है। अगर आपको अपने साथी पर किसी बात को लेकर शक है तो इसे लेकर सीधे उनसे बात करें। किसी और की बातों को सुनकर उन्हें गलत न ठहराएं। बीते काफी वक्त से जहां आप अपने दोस्तों से कटे हुए से थे, वहीं आज के दिन आप उन्हें ज्यादा समय दे पाएंगे और उनके साथ अपने पुराने दिनों को याद कर साथ में मुस्कुराएंगे। बात करें इस राशि के मैरिड लोगों की, तो आज आपको अपने जो है जीवन साथी से दूर जाने का मन करेगा, यानी उनकी छोटी छोटी हरकतों की वजह से आपका जो मन है उनसे अलग होने का करेगा। लेकिन अगर कोई छोटी भी बात है तो उसको बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करें। रिश्ता तोड़ना जो है किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। छात्रों पर आज जो है टीचर्स की यानी गुरुजनों की कृपा बरसते रहेगी। वहीं गृहिणियों की बात करें तो आज जो है जीवन साथी का उनको पूरा पूरा साथ मिलेगा। आज आपका धार्मिक स्थल पर भी जाना संभव है। उपाय सुन लीजिए, खाने के पहले पैर धोएं और अगर ऐसा संभव ना हो सके तो हमेशा जो है जूते पैर से बाहर निकाल कर ही भोजन करें। शुभ अंक है आपके लिए 5, शुभ रंग है आपके लिए आज हरा और फिरोजी, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम कर्क राशि की। स्वास्थ्य को लेकर आज आपको सचेत रहना है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल जो है वो बता रही है कि आज आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। बैलेंस डाइट लें, पर्याप्त व्यायाम करें। आज ऐसे स्रोत से आप धन अर्जित कर सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी ना हो, इसीलिए अपने क्रिएटिव आइडियाज को अपनाएं अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए। फैमिली में आज आप अपने छोटों पर अपनी डांट लगा सकते हैं। वहीं प्रेम जीवन की बात करें तो आज आपको मन माफिक फल मिलेंगे। प्रेमी जो है आपके अंदर आपकी छुपी हुई प्रतिभा को आपको दिखाने की कोशिश करेगा। इस राशि के जातक दूसरों को सलाह देने में माहिर होते हैं। आज के दिन खाली समय में आप अपने दोस्तों या घर के सदस्यों को सलाह देते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें मैरिड लाइफ की तो उसमें खुशियां बनी रहेंगी। जीवन साथी आपको आज कोई गुड न्यूज भी दे सकता है। वहीं जो लोग बिजनेसमैन हैं, एक बड़े स्तर पर आज आपके पैसों का लेन देन होगा। एनर्जी लेवल आपका ऑफिस में काफी हाई रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी जो है आप उसकी वजह से आप एक अच्छा टाइम बिताएंगे। वहीं छात्रों के लिए आज आपको बोलने से पहले सोचना है, अपनी वाणी पर थोड़ा लगाम लगाना है। गृहिणियों की बात करें तो आज अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए आप उनकी हाँ में हाँ मिला सकती हैं। उपाय सुनिए, जेब में आज लाल रंग का रुमाल रखना है आपको। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। आज आप खुद को सुकून की स्थिति में पाएंगे और जिंदगी का लुत्फ पूरी तरह से उठाएंगे। आज आपके पास धन भी आएगा। आर्थिक क्षेत्र में लिए गए निर्णय जो है आज कारगर होंगे। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आज आपको लाभ मिल सकता है। वहीं आज कुछ जरूरी कार्यों में भी आज आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो आज आप अपने परिवार के सदस्यों की परेशानियों को सुनने में अपना समय देंगे। वहीं प्रेम जीवन की बात करें तो एक अलग सी अनुभूति होगी। सिर पर प्यार चढ़ा रहेगा, ये प्यार का जादू है, प्यार की खूबसूरती है, इसलिए इसे दिल से स्वीकार करें, इसे महसूस करें और इसका मजा लें। निजी जीवन में जो है आप किसी बात से परेशान होंगे, लेकिन पिता द्वारा आपको परेशानी से निकलने में मदद मिलेगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में आज जीवन साथी की छोटी छोटी चीजें आपके जो है मैरिड लाइफ को काफी खूबसूरत बनाने का काम करेंगी। दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में खर्च कर देते हैं। अपनी ऊर्जा को सही समय पर और सही कामों पर खर्च करना एक कला है। इस बात को आपको समझना चाहिए और अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे काम भी जीवन में जरूर करने चाहिए जिससे आपकी लाइफ में एक सार्थक बदलाव आए। जैसे कि आप डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में एक बदलाव लेकर आएंगी। छात्रों को सलाह है कि पढ़ाई से अगर मन भटकता है तो थोड़ा ध्यान किया करें। वहीं गृहिणियों की बात करें तो आज जो है आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत आसानी से और बहुत प्यार से कंप्लीट कर लेंगी। उपाय सुनिए, चावल या चांदी माता से लेकर अपने पास रख लें। शुभ अंक है आपके लिए 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे कन्या राशि की।
आज के दिन आपकी सेहत थोड़ी नासाज रह सकती है, इसीलिए अपनी सेहत पर जो है पूरा ध्यान रखें। कोई अगर शारीरिक परेशानी पहले से थी तो उसके लिए भी आपको जो है जिम्मेदार जो है बनना है, उसकी तरफ ढिलाई नहीं देनी है। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। आर्थिक जीवन में लाभ हो सकता है, जेवर और एंटिक में निवेश अगर करते हैं तो काफी फायदा पहुंचेगा। कहीं ना कहीं से आज धन आ सकता है आपके पास, आपको कोशिश करनी है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की। आज सफलता मिलने के योग है, हालांकि जोश में होश न खोए ये आपके लिए एक सलाह है। बोलने से पहले सोच विचार करना आज आपको जरूर चाहिए। फैमिली में छोटे लोगों के साथ आप मौज मस्ती करेंगे, वहीं प्रेम जीवन के लिए आज दिन सामान्य है। आज के दिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि केवल शारीरिक सुखों के लिए अपने जीवन साथी की चाह ना करें, बल्कि मानसिक रूप से अगर उलझनों में फंसे हैं, कोई परेशानी है, तो दिमाग से जो है आप अपने दिल की बातें भी उनसे शेयर करें। अपने भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करेंगे तो उनको जो है और अपनापन लगेगा और वो भी आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे। अगर जीवन साथी आज अपना जिद्दी स्वभाव आपको दिखाता है तो उसे इग्नोर करें, उसके पे गलत प्रतिक्रिया ना दें, ये आपके लिए एक सलाह है। छात्रों को आज उनकी मेहनत का फल मिल सकता है। अपने दोस्तों के साथ आप कहीं मूवी देखने के लिए, बाहर कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। गृहिणियां जो है आज आपके मायके से या किसी सहेली से आपको जो है घंटे बात हो सकती है आपके फोन पर। यह जो बातचीत होगी आप में एक ऊर्जा भर देगी और काफी खुशी लेकर आएगी। उपाय सुनिए आज क्या करना है इस राशि के जातकों को। मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि की। अगर आप लगातार ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं तो आज आपको फायदा देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य सुधर सकता है, कह सकते हैं हेल्थ आज ठीक है आपका। आर्थिक रूप से आज का दिन लाभदायक है। जो लोग रियल स्टेट में निवेश कर रहे हैं उनको आज अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। पैसों के लेन देन के लिए भी आज दिन शुभ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक रूप से आज आप मजबूत रहेंगे। फैमिली लाइफ में भी अच्छे योग बन रहे हैं। घर में अगर कोई शादी के योग है तो उसके रिश्ते की बात चल सकती है। अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आज घर वालों से अच्छा संवाद भी आपका स्थापित होगा, उनकी तरफ से आपको कोई गुड न्यूज भी मिल सकता है। प्रेम जीवन में आज प्रेमी से बहस हो सकती है, अपने संयम को बनाकर रखें। आपको एक जो है शांत स्वभाव के इंसान का जो है परिचय देना है। वाहन खरीदने की योजना आज बन सकती है, घर बनाने की योजना भी बन सकती है। संतान की तरफ से आज आपको खुशखबरी मिलेगी। वहीं मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच विवाद होगा, हालांकि ये विवाद ज्यादा देर टिकेगा नहीं, ये सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक आज देखने को मिल सकती है। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वहीं बात करें गृहिणियों की तो आज जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। आप भी अपने जीवन साथी को अच्छा महसूस कराने का कोई मौका ना छोड़े, हो सके तो उनसे ज्यादा से ज्यादा बातें शेयर करें। उपाय सुन लीजिए, आज किसी भी कुत्ते को आज आपको रोटी खिलानी है। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि की। काम के साथ साथ आज आराम करना है आपको, नहीं तो हेल्थ बिगड़ सकता है। ग्रह नक्षत्र इशारा कर रहे हैं कि आज अगर अपने आप शरीर पर ज्यादा दबाव डालते हैं तो बीमार हो सकते हैं। आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन पैसे लगातार पानी की तरह बहते रहेंगे। पारिवारिक जीवन में आपका जो गुस्सा है राई का पहाड़ बना सकता है। कोशिश करें गुस्से पर काबू करने की, क्योंकि इससे सिर्फ आपका ही जो है मूड खराब नहीं होता, आप जिस पर गुस्सा कर रहे हैं उसका भी मूड खराब होता है। इसीलिए फैमिली लाइफ में आज आपको शांत रहना है। प्रेमी के साथ दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, लव लाइफ काफी सही रहेगी। घर के बच्चों के साथ भी आपका टाइम बहुत अच्छा बीतेगा। आज जो है जो लोग घर पर हैं वो आज मोबाइल में अपना समय बिताएंगे या टीवी पर कोई फिल्म देखकर अपना समय बिता सकते हैं। मैरिड लाइफ में आज आपको सुखों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी भावनाओं के आपको समझेगा और आज वो अपनी भावनाओं को भी आपसे साझा करेगा। आज आपका जो है अपने पार्टनर के साथ कहीं डिनर पर या बाहर घूमने फिरने भी जाना संभव है। छात्रों के लिए आज दिन बेहतरीन है, क्योंकि आज के दिन आपके जो है ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो पति की कोई बुरी आदत से आज आप परेशान हो सकती हैं। दिन की शुरुआत भले ही अच्छी ना हो, लेकिन दिन का अंत जो है ठीक ठाक रहेगा। उपाय सुनिए, आज कोशिश करें चांदी का कड़ा धारण करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम धनु राशि की। सबसे पहले हेल्थ पर नजर डालें तो आज आपको शारीरिक तौर पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बदलते मौसम का जो मिजाज है आज आपकी सेहत को हानि पहुंचा सकता है। आप सर्दी जुकाम से ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। आर्थिक जीवन सामान्य रहेगा, हालांकि खर्चों में वृद्धि की संभावना देखी जा सकती है। इसीलिए सलाह है कि धन को सोच समझकर ही खर्च करें। फैमिली लाइफ में
आज आप थोड़ा ज्यादा ही किसी बात को लेकर आक्रामक हो सकते हैं, इस वजह से आपके फैमिली वाले लोग आपसे अलग हट सकते हैं। जबरदस्ती किसी को भी अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। घर से बाहर जाकर कोशिश करें जब भी गुस्सा आए तो थोड़ी देर एकांत में समय बिता लें। प्रेम जीवन में प्रेमी आज आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा, आपको समझने की भी पूरी कोशिश करेगा और आपके रिश्ते में एक नया सा बदलाव आपके और आपके प्रेमी के बीच देखने को मिल सकता है। ये बात आप भी जानते हैं कि अपने प्रियतम को लेकर आप बहुत गंभीर हैं, लेकिन कई बार न चाहते हुए भी आप अपने मन में अपने प्रिय से संबंधित कुछ ऐसी धारणाएं बनाने से नहीं रोक पाते अपने आप को जो सही नहीं होती, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी तो परेशानियां बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ अपने साथी को भी परेशान कर बैठते हैं। इसीलिए कोशिश करें रिश्ते को अच्छा बनाना है तो शक को भ्रम को पालने से बचें। आज जो है फ्री समय में आप अपने कुछ क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं, जो पेंडिंग पड़े काम है उनको कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आज। जीवन साथी और आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं छात्रों के लिए दिन अच्छा है आज के दिन। आप जो है अपनी वाणी से अपने गुरुजनों को और अपने सहपाठियों को प्रभावित कर सकते हैं। हाउसवाइफ की बात करें तो आज के दिन घर के में जो है बदलाव के कई प्लान आप बना सकते हैं, लेकिन इन प्लान्स को आप कर भी पाएंगे ये अनिश्चित है। उपाय सुनिए, चांदी के चम्मच से या चांदी की थाली में भोजन करें। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे मकर राशि की। स्वास्थ्य के लिए आज का दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है, इसीलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिसका विपरीत असर जो है आपकी हेल्थ पर दिखाई दे। साथ ही आज आपको मेंटल टेंशन हो सकता है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे जो है आपके आर्थिक जीवन को बैलेंस कर देंगे, सुधार आएगा उसमें। अगर कोई पार्टी देने की सोच रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। परिवार के लोगों के सामने अपनी बातें रखने की आपको आज ज़रूरत है। जो बातें आप मन में बहुत समय से दबाए बैठे थे और आप अपने परिवार वालों को वो शेयर नहीं कर रहे थे, आज अपने अंदर के झिझक को दूर करें और अपने दिल की बातों को घर वालों से शेयर करें। बात करें प्रेम जीवन की तो आपके जीवन में किसी ऐसे का आज आगमन हो सकता है जिनसे आपकी आंखें चार होंगी। जो लोग सिंगल है उनके लिए बात है, लेकिन जो लोग कमिटेड हैं आज आपके जीवन साथी और आप दोनों बैठकर फ्यूचर में इस रिश्ते को कहां तक पहुंचाना है इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आज रोमांस जो है हवाओं में नजर आएगा। आज काफी अच्छा दिन बीतेगा, आप दोनों समय एक साथ बिताएंगे। साथ ही जो कुछ छोटे बड़े काम होंगे घर के आप दोनों साथ मिलकर उसे कंप्लीट करने की कोशिश भी करेंगे। आज एक सलाह है, जो भी गलत आदत है आपके में वो गलत आदत को आज छोड़ने के लिए बहुत सही समय है और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए भी काफी अच्छा दिन है। गुरुजन और सहपाठी जो है आज इस राशि के छात्रों की मदद करेंगे, लेकिन साथ ही आपके जो है आपको अपना है अधीरता नहीं दिखाना है किसी भी चीज के लिए, ये इस राशि के छात्रों को सलाह है। गृहिणियों की मुलाकात आज किसी पुराने मित्र से हो सकती है और उनके साथ आज आप गपबाजी कर सकती हैं। आज शाम का वक्त भी आपका काफी अच्छा बीतेगा। उपाय सुनिए, त्रिफला का सेवन किसी भी रूप में करें। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। आज आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। खास तौर से अगर कोई पुरानी बीमारी थी जैसे कि डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, किसी भी तरह की कोई पुरानी बीमारी थी, उन लोगों को तो आज बहुत जो है ध्यान से चलना है। आर्थिक जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। निवेश करने के लिए दिन बहुत शानदार है। आज आप आर्थिक रूप से किसी की मदद भी कर सकते हैं, इससे आपको मानसिक शांति का आभास होगा। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। परिवार के सहयोग से आज आप अपना महत्वपूर्ण कार्य भी पूरा कर सकते हैं। प्रेमियों को एक सलाह है कि अपने रोमांटिक ख्यालों को और अपने रिश्ते के बारे में हर किसी से डिस्कस करने से बचें। आज कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपको धोखा दे सकता है। वहीं जीवन साथी के परिवार वालों और उसके मित्रों के से जो है आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है जिससे आपका मन काफी दुखी हो जाएगा। आज जो है यात्रा पर जाने के योग है, लेकिन यात्रा के दौरान असुविधा भी आपको जरूर होगी। जो लोग छात्र हैं आज आपको किसी नई चीज को जानने का मौका मिलेगा और आपको पढ़ाई में काफी दिलचस्पी भी आपकी बढ़ेगी। गृहिणियों का दिन आज काफी आरामदायक व्यतीत होगा, उन्हें अपने घरेलू कामों से छुट्टी मिल सकती है। उपाय सुनिए, विष्णु जी की आराधना करें। शुभ अंक है आपके लिए 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि की। स्वास्थ्य के मामले में आज आप काफी जो है दिन आपका बेहतरीन रहेगा। पूरे दिन को आप एंजॉय करेंगे, काफी एनर्जी रहेगी आपके अंदर। कोशिश करें हेल्थ को और अच्छा रखने की, और हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हैं तो एक अच्छा खान पान रखें, जो है योग आदि करते रहें। आज जो है किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है।
ये जो आज आप निवेश करेंगे इससे भविष्य में आपको अच्छा खासा लाभ होगा, यानी आर्थिक जीवन आज ठीक ठाक है। पारिवारिक जीवन में बच्चों के साथ खास समय बिताएंगे। आज आप काम के सिलसिले में जो है परिवार की किसी चीज़ को आप जो है उनको लाकर नहीं देंगे या उनकी चीज़ों को भूल सकते, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है शाम के समय अनबन देखने को मिलेगा। काफ़ी भागदौड़ रहेगा आज आपके जीवन में। आज जो है वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसमें मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी बात को मन में रखकर उसका हल नहीं निकलता। अगर आपको अपनी दुविधाएं मिटानी है तो स्पष्टता के साथ अपने सामने वाले से, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, उनसे वो चीज़ डिस्कस करनी होती है। अगर आप मन के जाल में ऐसे ही फंसते चले जाएंगे तो आपकी जीवन जो है उलझनों से भरा रहेगा। इसीलिए कोशिश करें एकदम जो है क्लियर अपनी जिंदगी को रखें, जो मन में दुविधा है उसको बातें करें और उसे क्लियर कर लें। छात्रों को मेरी एक सलाह रहेगी कि पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान दें। अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो आप जो है अपना दिन खराब कर बैठ सकते हैं। दिन की शुरुआत आपके लिए आज अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन इस राशि की जो गृहिणियां हैं उनके लिए शाम का वक्त बहुत अच्छा बीतेगा। पति के साथ आप कहीं घूमने जा सकती हैं। उपाय सुनिए, सफेद संगमरमर की बनी कोई भी वस्तु अपने करीबी को गिफ्ट करें। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 16 नवंबर का दिन सभी 12 राशियों के लिए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल भी मत दुखाइए। नमस्कार।